अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक की आईडी तो आजकल बच्चा बच्चा बना लेता है, हर कोई बना लेता है, लेकिन उसको जो है ना उसका सीक्वेंस का नहीं पता होता कि आईडी बनती किस तरह है। इसमें मतलब तरतीब बार उसको नहीं पता होता कि यहाँ क्या नाम देना है, यहाँ क्या नाम देना है। उनको मतलब फॉर्मेट का पता नहीं होता कि ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में यही बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ फेसबुक, ठीक है। फेसबुक मैंने खोला। अब दोस्तों यहाँ देखें लिखा हुआ है क्रिएट न्यू फेसबुक अकाउंट। में यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये होती है मेन चीज़, व्हाट्स योर नेम। अब काफ़ी सारे दोस्त क्या करते हैं, अब वीडियो बना के जब मैं अपलोड करूँगा ना तो नीचे बहुत सारे कमेंट्स आ जाएंगे, ये तो मामूली बात है, ये तो पहले ही पता है, कोई नई चीज़ लाओ। भाई ये वीडियो जो है ना आपके लिए नहीं है, ये वीडियो उसके लिए है जिनको नहीं पता, ठीक है। बहुत सारे आपको अभी भी यूज़र मिल जाएंगे, फेसबुक में जाके देख लें, अभी भी क्रिएट हो रहे हैं, उनको नाम भी जो है ना फॉर्मेट का पता नहीं होता कि नाम किस फॉर्मेट में देना होता है। तो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ। फर्स्ट नेम में आपको देना है, अब मिसाल की बात है आपका नाम है अमजद अली, ठीक है। जैसे मेरा नाम है अमजद अली, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं अमजद अली नहीं लगाऊँगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैं लगाऊँगा खाली अमजद, यहाँ पर मैं लगाऊँगा अली, सॉरी अली। इस तरह मेरी आईडी का जो नाम हो जाएगा ना वो हो जाएगा अमजद अली। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं अमजद अली, यहाँ पर भी लिख लेते हैं अमजद अली। अब इस तरह क्या होता है, नाम में डबलिंग आ जाती है, फिर सामने वाले को मतलब ये महसूस होता है कि भाई ये जो बंदा है ना, ये समझो कि मतलब इसको कुछ किसी चीज़ का पता नहीं है, ये नया बंदा है, इसने जो आईडी बनाई है इसको आईडी बनाना नहीं आती, ये नया बंदा है, वो समझो कि वो गलत इंप्रेशन पड़ता है। वो फिर काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ये जाहिल भी है या ये है वो है, बहुत सारे लोग बहुत बातें बनाते हैं। तो इसलिए आपको आईडी बनाने का फॉर्मेट मैंने बता दिया कि भाई नाम आपको इस तरह देना है, कोई भी आपका नाम हो फर्स्ट नेम में आपको एक लगाना है और लास्ट नेम में आपको दूसरा लगाना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप अपनी आईडी का नाम लगा सकते हैं तो आपका नाम सही आएगा।